नमस्कार, मैं हूं दीपिका पात्रे और आप देख रहे हैं tv30india.com। मजदूर दिवस आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसकी पीछे की सच्चाई मालूम है कि मजदूर दिवस कब से प्रारंभ हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो आइए बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार में। तो हमारे इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखिएगा। हर साल के पांचवें महीने की पहली तारीख 1 मई को पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई के दिन दुनिया भर की सारी लेबर छुट्टी पर रहती है और ये दिवस पिछले 132 साल से मनाया जाता आ रहा है। आपको बता दें, 1 मई को सभी मजदूरों ने अपने काम के घंटों को 8 घंटे करने की मांग की थी। आपको ये भी बता दें कि ये कब से प्रारंभ हुआ मजदूर दिवस। सन 1877 में सभी मजदूरों ने एकजुट होकर अपने कामों के घंटों को 8 घंटे करने की मांग रखी थी और इस मांग को पूरा करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद 1 मई 1886 में पूरे अमेरिका के लाखों मजदूरों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल की और उस हड़ताल में करीब 11,000 फैक्ट्रियों के 3,80,000 मजदूरों ने भाग लिया था। इस हड़ताल के 3 साल बाद सन 1889 पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें फ्रेंच क्रांति को मद्देनजर रखते हुए मजदूरों के प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इस प्रस्ताव में मजदूरों को 8 घंटे काम करने की रजामंदी दे दी गई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कब प्रारंभ हुआ मजदूर दिवस। तो आपको बताते चलें, भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत दक्षिण राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से हुई। 1 मई सन 1923 में किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इसे मद्रास में मनाया गया। तभी से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है। यदि आपको हमारा यह जानकारी पूर्ण कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे इस कार्यक्रम को आगे शेयर करें और इसी तरीके की और अधिक जानकारियों के लिए आप tv30india के एंड्रॉयड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।